दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं मासल ब्रेज का मास गेनर डबल एक्सल के बारे में। दोस्तों मेरे पास ये दो सैसे हैं, इनका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है 1:3। किसी अदर इंटरनेशनल मास गेनर को आप देखेंगे तो इनका रेशियो लगभग 1:5 आपको मिलेंगे। फिलहाल मासल ब्रेज इनसे बेटर है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के रेशियो के हिसाब से। तो 100 ग्राम के एक सर्विंग में आपको 21 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फैट्स, 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम फाइबर एंड 396 कैलोरी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 20 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम ग्लूटामाइन एडेड है। इनमें सारे मल्टीविटामिन एडेड है, बायोटिन भी इसमें एडेड है, लेकिन हमारे डेली मल्टीविटामिन रिक्वायरमेंट से ये थोड़ा सा कम है। फिर भी एक स्कूप के हिसाब से इतने सारे चीज आपको मिल रहा है तो ये फायदेमंद है। तो दोस्तों सवाल ये आता है, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या ये इफेक्टिव है, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। मासल ब्रेज के किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं तो इनमें एक बात खास होता है, क्योंकि वो जेन्युइन होता है, फेक होने का खतरा से वो बाहर है। ये सप्लीमेंट काम करता है। हाँ दोस्तों आपने ठीक ही सुना है, इट वर्क, ये अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ यही सप्लीमेंट नहीं, किसी भी आप मास गेनर को ले लीजिए वो काम करेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे कैलोरीज मौजूद है, इतने सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे तो काम तो करेगा ही। अगर आप सोचते हैं एक महीने में आपके डोले का साइज 1 इंच बढ़ाना चाहिए तो ये वाला सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा। मतलब सही डाइट से अगर आप घर का खाना खाते हैं तो 1 इंच गेन करने में आपको 3 महीने लग जाएंगे, मगर ये सप्लीमेंट आपको 1 महीने में रिजल्ट देंगे। तो ये तो बेनिफिट्स है इसका। तो बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों नेचुरल डाइट से जो रिजल्ट मिलता है वो थोड़े देर में मिलता है, लेकिन वो काफी अच्छा रिजल्ट है। और मास गेनर आपको 1 से 2 महीने में रिजल्ट दे देता है, लेकिन आपको मजा नहीं आएंगे। मतलब आपका डोला 14 से 15 इंच तो हो जाएंगे, लेकिन उसका शेप अच्छा नहीं होगा, उसको देखने में आपको मजा नहीं आएगा, वो थुलथुल टाइप के हो जाएंगे, जैसे कि पुराने जमाने में होता था। पुराने जमाने में हेवी बॉडी थुलथुल टाइप्स के बॉडी अच्छे लगते थे, लेकिन इन प्रेजेंट डे दोस्तों वो बदल चुका है। आज का टाइम है रिफ चिदल बॉडी लीन बॉडी का, मतलब कटिंग वाला बॉडी का। तो दोस्तों मास गेनर लेके आप सोचेंगे कटिंग वाला फिगर बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अब जब भी कोई मास गेनर लेते हैं और लेने के बाद छोड़ भी देते हैं, उनका कोई भी कारण हो सकता है या किसी भी कारण से आप वर्कआउट नहीं कर पाते, तो आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है, तब ये मास गेनर पेट गेनर हो जाएगा और बॉडी में फैट्स का बनना चालू हो जाता है, और उसके लिए फैट कटर या फैट बर्नर यूज करना होता है। तो दोस्तों हमें ऐसा काम करना ही क्यों है, पहले बढ़ने के लिए गेनर और फिर से घटाने के लिए फैट कटर या किसी भी मेडिसिन का सहारा लेना पड़े। तो ये मास गेनर या वेट गेनर का ये तो साइड इफेक्ट है, कोई भी गेनर को रिकमेंड नहीं करता मैं। क्या कोई भी बॉडी या अच्छा सा जिम ट्रेनर आपको मास गेनर रिकमेंड नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों ये सप्लीमेंट 1 kg का डब्बा आपको 900 रुपए में मिल जाएंगे। इसका रिजल्ट है, अगर आप चाहते हैं आपका साइज बढ़ाना जल्दी से तो ये ले सकते हैं। मैं ये मास गेनर रिकमेंड नहीं करता, इसका और भी एक कारण है। अब 900 रुपए में मास गेनर लेने के बजाय आप ये वाला व्हे प्रोटीन ले सकते हैं, वो अच्छा होगा। मास गेनर में आपको 1 महीना चलाने के लिए कम से कम 3 kg का यूज करना पड़ेगा, तो लगभग आपको 2500 से 3000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन व्हे प्रोटीन आपको 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये वैल्यू ऑफ मनी है। दोस्तों आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी सस्ते व्हे प्रोटीन का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मास गेनर में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि आसानी से आपके घर में पड़ा हुआ मिलता है। तो क्या आप कार्बोहाइड्रेट के लिए पैसे खर्च करना पसंद करेंगे? आप प्रोटीन के पीछे भागिए ना, ना कि कार्ब्स के पीछे। अगर आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए तो आप व्हे प्रोटीन को लीजिए। हाँ, अगर आप दुबले पतले हैं और थोड़ा सा वेट गेन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।